सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, यह है एक और प्रोडक्ट जो कि आता है Xmate की तरफ से और ये है Xmate Zorro Pro और ये एक गेमिंग माउस है जो कि RGB लाइट के साथ में आता है। 2.4 GHz वायरलेस गेमिंग माउस और ये काफ़ी बजट में आता है। ये है इसका बॉक्स पैकिंग, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर बॉक्स पैकिंग हमें काफ़ी बढ़िया मिला है। बॉक्स के पीछे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। माउस टाइप है वायरलेस, ट्रांसमिशन रेंज है अप टू 10 मीटर, फ्रिक्वेंसी रेंज है 2.4 GHz प्लस KA8 और नंबर ऑफ कीज है इसमें 6। DPI स्विच है 800, 1200, 1600, 3200। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 600 mAh, बैटरी लाइफ है अप टू 7 डेज और वर्किंग करेंट है 5 mA मैक्सिमम। बात करें कि यहाँ पर इसका प्राइस क्या है तो बॉक्स के ऊपर इसका जो रिटेल प्राइस है वो है 2499 रुपये और हमने इसे मंगाया है अमेजोन इंडिया से और हमें पड़ा है 780 रुपये, 780 रुपीज़। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे कि ये जो वायरलेस माउस है कैसा है, जो कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि 600 mAh की बैटरी के साथ में आता है तो इसमें एक्सटर्नल बैटरी लगाने का कोई भी काम नहीं है। इसके अंदर में जो बैटरी है आप उसे इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप एक गेमिंग माउस लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है और यहाँ पे आपको मिल जाता है हमारा Xmate का Zorro Pro गेमिंग माउस, जो कि 2.4 GHz वायरलेस गेमिंग माउस है और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पर इसके पीछे में ऑन और ऑफ का बटन है तो आप इसे जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइट्स है वो यहाँ पर ब्लिंक हो रही है और काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पर जो RGB लाइट आपको दिया गया है काफ़ी मस्त लग रहा है। इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है USB टू Micro USB केबल इसे चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर में 600 mAh की बैटरी आपको दी गई है और यहाँ पे आपको दिया गया है यूज़र मैनुअल, तो आप इसे पढ़ सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स कंटेंट में मिल जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात करें हमारे फर्स्ट इंप्रेशन की तो ये है Xmate Zorro Pro और ये एक गेमिंग माउस है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो लुक्स है वो देखने में काफ़ी बढ़िया है और अच्छा लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 700-750 रुपये में एक नॉर्मल गेमिंग माउस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वायरलेस माउस है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो काफ़ी गजब का दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं ये जो माउस है इसे अपने पैड पे रखा हुआ हूँ और ये काफ़ी कंफर्टेबल फील दे रहा है मुझे, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो लाइट्स है, जैसा कि आप देख रहे हो कि लाइट्स यहाँ पर 4-5 तरीके का दिया हुआ है जो कि चेंज होते रहता है और ये देखने में
काफ़ी बढ़िया लगता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर पीछे में जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दिया गया है ऑन और ऑफ़ का बटन, और जब आप इसे ऑफ़ करोगे तो ये पूरा ऑफ हो जाएगा, और जब आप इसे ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है ये जो USB है, इसे आपको डालना है अपने लैपटॉप में, अपने PC में। उसके बाद ये जो माउस है वायरलेस, ये काम करना चालू कर देगा, और जब आप इसका यूज कर लेते हैं तो ये जो USB है आप इसे यहाँ पर इजीली अटैच कर सकते हैं ताकि ये खो नहीं जाए। तो इस तरीके से ये माउस काम करता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लाइट वेट है, नो डाउट, काफ़ी हैवी वेट नहीं है, और ये ग्रिपिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है। जब आप इसे पैड पर चलाएंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा, और आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप इजीली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मैकबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, सभी चीज़ों के साथ ये कंफर्टेबल है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो गेमिंग माउस है Xmate का, इसके अंदर में 600 mAh की बैटरी आती है जो कि 1.5 घंटा लेता है फुल चार्ज होने में, और जब आप इसे चार्ज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 7 से 8 दिनों का ये बैकअप देता है। डिपेंड्स करता है कि आपका यूजेस कैसा है, और ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप 6 से 7 घंटे गेम्स खेल रहे हैं या नॉर्मल काम कर रहे हैं तो इसका बैकअप आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, और ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। इसकी जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, और एक बार आपके हाथ में ये सेट हो जाता है तो आप इसे एकदम ईजी यूज कर पाएंगे। और अगर आप एक गेमिंग माउस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि ये जो Xmate का Zorro Pro है आप ले सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, और ये जो RGB लाइट है ये भी काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। अगर आपका बजट 700 से 800 रुपये है तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि आप जो ये Xmate का Zorro Pro है, ये जो माउस है, गेमिंग माउस, आप ले सकते हैं। क्वालिटी मुझे इसे काफ़ी बढ़िया लगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो जितने भी बटन्स आपको दिए हैं इसका उपयोग आपको कैसे करना है। यहाँ पर जो बटन्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सामने में आपको 2 बटन दिया गया है, तो ये है आपका लेफ्ट की और ये है आपका राइट की। और इसके नीचे में जब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस पेज की है, और उसके बगल में नेक्स्ट पेज की है, और ये जो बटन आप देख रहे हो ये है हमारा वेल बटन। तो आप इसे स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि ये है DPI स्पीड स्विच की जो DPI सेटिंग है। और अगर बात करें तो यहाँ पर सामने में जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और इसके नीचे में अगर हम बात करें तो 2.4 GHz का जो वायरलेस रिसीवर है ये दिया गया है, तो आपको इसे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगाना होगा। और यहाँ पर जो स्विच कंट्रोल बटन है ऑन और ऑफ का, तो ये आपको दिया गया है, तो ये सारी कीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये काफ़ी बढ़िया से काम करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये था हमारा अनबॉक्सिंग Xmate के Zorro Pro 2.4 GHz वायरलेस गेमिंग माउस का। काफ़ी बढ़िया ये माउस है, और इसका जो डिस्टेंस है वो अप टू 10 मीटर, तो 10 मीटर के डिस्टेंस में ये वायरलेस काफ़ी बढ़िया से काम करता है। और अगर आपको परचेज करना है एक गेमिंग माउस, आपका बजट 700 से 800 रुपये है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और काफ़ी बढ़िया ये प्रोडक्ट है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं परितोष साइनिंग ऑफ।